क्रिकेट में बॉल डेड कब माना जाता है? क्या कल के मैच में एमिलिया कर नॉट आउट थी, बॉल डेड हो गई थी जब रन आउट उनको किया गया? क्योंकि काफी कंट्रोवर्सीज चल रही है, आपने मैच देखा होगा, तो हरमनप्रीत कौर भी काफी नाराज थी, भारतीय कोच अमन मजूमदार भी काफी नाराज थे जो डिसीजन अंपायर ने दिया, ऑन फील्ड अंपायर ने दिया। तो पहले हम लॉ की बात करेंगे कि क्या लॉ के अकॉर्डिंग आउट थी, जो एमसीसी का लॉ है उसमें आप एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं, 20 पॉइंट कुछ है के है, उसके अकॉर्डिंग कि अगर बॉल डेड तब माना जाएगा जब कि अंपायर को लगे कि दोनों बैटिंग टीम या बॉलिंग टीम दोनों लोग इस समय ये नहीं मान रहे हैं कि प्ले में नहीं है, मतलब ओवर्स हो गया, इसको भी माना जा सकता है, लेकिन क्या बैटिंग और फील्डिंग टीम डेड मान रही थी? क्योंकि हरमनप्रीत कौर के हाथ में बॉल था, उन्होंने थ्रो किया, क्यों थ्रो किया? क्योंकि कर जो थी वो रन लेने के लिए भागी। तो जब वो ना फील्डिंग टीम ने माना कि बॉल डेड है, ना बैटिंग टीम ने, रन आउट किया गया, कर वापस भी जा रही थी, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर्स ने कहा कि बॉल डेड हो गई थी क्योंकि दीप्ति ने बॉल वो कैप कैप दे दिया था अंपायर्स को, जो ये माना जाता है कि ओवर्स खत्म हो गया तब। लेकिन ना हरमनप्रीत कौर मान रही थी कि ओवर हो गया है, मतलब ओवर तो हो गया था लेकिन प्ले में था बॉल, इसलिए उन्होंने थ्रो किया विकेट कीपर के एंड पे और कर वापस जा रही थी। अगर न्यूजीलैंड बैटिंग टीम ये मानती कि बॉल डेड हो गई थी तब इस पे किया जाता, डिवाइन ने भी कहा कि अंपायर को कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि बॉल, हाँ, जो भी अंपायर का फैसला है वो सबको मानना चाहिए, अंपायर का फैसला सबको मानना चाहिए। लेकिन अंपायर को भी, जो इतना बड़ा टूर्नामेंट हो, ये मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि टीम इंडिया 58 रन से हारी है, बुरी तरीके से हारी है, सिर्फ कर का डिसीजन नहीं था, हरमनप्रीत का ये भी बयान गड़बड़ है कि कुछ कंट्रोवर्सीज हुई इसकी वजह से ध्यान भटका, ऐसा नहीं होता। आप हार को डिफेंड नहीं करते, आप बुरा खेले, सिर्फ ये डिसीजन की वजह से आपकी बैटिंग कोलैप्स नहीं होनी चाहिए थी। आप एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रही हो, आपकी टीम का कोई भी सदस्य ये नहीं कह सकता कि ब्रेक लगा या हमारा ध्यान भंग हुआ इसलिए हमारे, हार को कोई किसी को डिफेंड नहीं करना चाहिए, हम बहुत बुरी तरीके से खेले इस वजह से हारे, न्यूजीलैंड अच्छा खेली। लेकिन आईसीसी को भी ये ध्यान देना चाहिए और खासकर अंपायर्स को भी ये ध्यान देना चाहिए कि कहाँ ये डिसीजन दे रहे हैं। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड T20 है, और छोटे छोटे डिसीजन कंट्रोवर्सीज में बदलेंगे। तो दोनों टीमों ने बॉल को प्ले में माना था इसलिए बॉल डेड नहीं थी। हाँ, इसमें एक और है लॉ में कि अंपायर जब डिसाइड करेंगे तब बॉल डेड मानी जाएगी, लेकिन अंपायर ये नहीं डिसाइड करेंगे कि कब दोनों टीम तैयार हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अनफेयर था उनका ये कॉल करना कि बॉल डेड हो गई थी। और कोई भी भारतीय का डिफेंड नहीं, भारत को एज ए इंडियन हम डिफेंड ये नहीं कर रहे हैं कि हमारी टीम इस वजह से हारी, और कोई भी क्रिकेट फैन या वर्ल्ड वाइड क्रिकेट फैन कोई भी नहीं मानेगा। कुछ डिसीजन जो होते हैं अंपायर्स के हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज में रहते हैं, अंपायर्स को आईसीसी वाले टूर्नामेंट में इतनी तो ध्यान देना चाहिए कि आप किस जगह अंपायरिंग कर रहे हो, ये डिसीजन टोटली रॉन्ग था। अब इन फ्यूचर आईसीसी को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे डिसीजन ना आए जिससे कंट्रोवर्सी हो और हम हारे, अगर क्योंकि एमिलिया कर का बहुत ज्यादा योगदान नहीं था, 21 रन ही बना पाई और भारत 58 रन से हारा है, लेकिन ये कंट्रोवर्सीज नहीं होनी चाहिए, इतना तो अंपायर्स को ध्यान देना ही चाहिए आईसीसी का जब कोई टूर्नामेंट हो।